नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज आपसे सोच रहे थे कुछ बातचीत की जाए। जैसे हर आदमी की अपने अपने कुछ पसंद होती है, हॉबीज होती हैं। किसी को घूमने का शौक होता है, किसी को बागवानी का शौक होता है, किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को ड्राइंग का शौक होता है। तो मुझे जैसे घूमना और बागवानी का थोड़ा शौक है, तो आज हम थोड़ा सा बागवानी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने भी अपने घर में कुछ चीज़ें उगाई हुई हैं, जैसे छोटे मोटे हो गए, लहसुन उगा लिया, हल्दी उगा ली, प्याज उगा लिया, और आपका बैगन, शिमला मिर्च, भिंडी, हरी मिर्च, नींबू, फ्रांस बीन, टमाटर, और कुछ फल जैसे पपीता हो गया, आम हो गया, लीची हो गई। तो ये चीज़ें आसानी से, अगर आपके पास जगह है तो आप लोग, ये ऑर्गेनिक भी हो जाती हैं, जैसे इसमें केमिकल कुछ नहीं होता, सब आप गोबर की खाद यूज कर सकते हैं या ऑर्गेनिक खाद यूज कर सकते हैं। तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं छोटा मोटा ये बागवानी का शौक अपना पूरा कर लेता हूँ। बाकी मेरे घर वाले भी, मेरे मदर हो गई, फादर हो गई, ये लोग भी काफ़ी, ये लोग तो काफ़ी करते हैं इसमें, उनको भी शौक है। तो इससे बड़ा सुकून मिलता है, दिल को बड़ा अच्छा लगता है और मन को शांति भी मिलती है हरा भरा देख के। आप खेतों में पानी दीजिए शाम के टाइम या सुबह के टाइम, तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है, और जो आप खाते हैं पौष्टिक, वो भी आपके शरीर को, उससे फ़ायदा भी होता है। तो मैं किसान भाइयों से बड़ा इम्प्रेस हूँ। किसान भाइयों जो हमारे देश के किसान हैं, आज हम उसी की बदौलत ये सारी चीज़ें, जो हमें अनाज मिल रहा है, जो हम खा रहे हैं, सब उन्हीं की बदौलत है। तो अगर हमारे देश का किसान मेहनत ना करे, खेती ना करे, तो हमें कहाँ से खाना उपलब्ध होगा? तो हमारे देश की उन्नति में किसान का बहुत बड़ा रोल है। तो हर आदमी को थोड़ा बहुत किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरे किसान भाई, आपको दिल से सलाम है, जो आप लोग हमें ये अन्न पैदा करके दे रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, हमारे भाइयों को जो पढ़े लिखे भी हैं, उनको भी इस फील्ड में आगे, टेक्निकल खेती सीखें और इस फील्ड में आ गए हैं। तो आज हम आपको कुछ, जो मैं अपने घरों में चीज़ें उगाई हुई हैं, वो आपको दिखाऊंगा। और देखिए, पेड़ जो अब आपके हरे भरे रहते हैं घर के आसपास, तो बड़ा पक्षी ये लोग भी चहचहाते हैं, और ठंडक भी थोड़ा रहती है वेदर में भी। अब जो जैसे पॉल्यूशन सब सोख लेता है पेड़ आपके, तो बहुत सारे फायदे हैं इस चीज़ के। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं थोड़ा सा अपने छोटी मोटी बागवानी जो मैं करता हूँ, वो आपको लेके चलते हैं। अब इस खेत में देखिए, यहाँ पे प्याज की आपको दिखाई जो दे रहा है, ये प्याज की पौध है। अब इसमें प्याज तैयार होगा। तो अच्छा लगता है, आपका टाइम भी पास होता है, खेती अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। हम तो घर पे ये काफ़ी सारी चीज़ें उगा लेते हैं जो पौष्टिक भी होती हैं, ऑर्गेनिक, इसमें कोई मिलावट नहीं केमिकल की, गोबर की खाद इसमें डाली जाती है। ये आज हमने अपने खेतों में हल्दी निकाली है, जो अब
सूखने के लिए रखी हुई है, फिर इसको साफ़ करेंगे और फिर इसको पीसा जाएगा। ये अभी कच्ची हल्दी है, देखिए कितनी सारी मात्रा में हल्दी निकली है। तो आप भी अपने घरों पे उगा सकते हैं इस तरह से, अगर आपको बागवानी का शौक है। नींबू का भी पौधा लगाया गया है, देखिए इसमें फूल भी आने लगे हैं। ये चकोतरे का पेड़ है, एक्सपेरिमेंट किया है ये किसी, कोई हमें कश्मीर से यहाँ पे अखरोट का पौधा दे गया है जो हमने लगाया, तो अभी ये देखिए इसमें पत्तियाँ भी आ गई हैं, तो देखते हैं। ये अच्छा वाला अखरोट है, पतले छिलके वाला। ये मेथी है देखिए, इसकी हरी सब्जी बनती है, ये भी पौष्टिक है पूरा, आप घर में ही उगा सकते हैं और आपके हेल्थ के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। ये देखिए मैंने चीकू का पेड़ भी लगाया है, इसमें काफ़ी मात्रा में चीकू आते हैं। और इसके बगल में ये आम का पेड़ है, देखिए कितना बौर आ रहा है। इसी के बगल में हमने लीची का पौधा भी लगाया है, काफ़ी बड़ा लीची का पौधा हो गया। देखिए ये भी आम का पेड़ है दूसरे नंबर का, इसमें भी बौर आ रहा है। ये तीसरे नंबर का, तो ये हमारे घर पे देखिए कितने प्रकार के पौधे जिनमें काफ़ी फल आते हैं। लहसुन उग रहा है और मटर भी आपको दिखाता हूँ, मटर की पौध भी है, मटर भी लगे हुए हैं इसमें, मटर भी लगे हुए हैं। देखिए लहसुन हो रहा है जगह जगह, अभी इसकी गुड़ाई होगी, घास उग रही है। और देखिए बड़ा अच्छा लगता है हरा भरा देखने में। देखिए अमरूद, कितना अच्छा अमरूद का पेड़ है, अमरूद लगा हुआ है, फल देगा भी आपको। अब ये देखिए पेड़ के नीचे छाया में आप खड़े हो जाएं, कितना सुकून मिलता है। अब बैठ के आराम से यहाँ पे देखिए, गर्मी भी नहीं लग रही है जबकि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, और आप बिल्कुल भी नेचुरल एसी का काम करते हैं ये पेड़, तो आप इसके नीचे लोग खाट लगा के भी सो जाते हैं, चारपाई अपना बिछाई और सो गए, तो बड़े फ़ायदे हैं अपने पेड़ पौधों के और बागवानी के। ये देखिए कितना हरा भरा पेड़ है। देखिए पेड़ में बैठ के बड़ा आनंद आता है, बिल्कुल भी आपको, ये देखिए बौर कितना अच्छा रहा उनका, कितना मन को सुकून मिल रहा है अपना, बैठ के ठंडी हवा लीजिए पेड़ों की, और आपका दिन भी अच्छा गुजरता है, आप फ्रेश ताज़ा तो महसूस करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा अपने घर में थोड़ा मोना
छोटा मोटी बागवानी का शौक पैदा कीजिए। देखिए फूल कितने अच्छे हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है फूलों के साथ। ये देखिए हरियाली, कितनी हरियाली हरियाली हरियाली। तो घर में आप बागवानी कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो भाइयों अगर आपको दोस्तों अगर आपको ये आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे भी नए नए ब्लॉग्स लेके आता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो प्यारे भाइयों और मेरे किसान भाइयों, आपको दिल से नमस्कार है जो आप हमें अनाज फल उगा के देते। जय हिंद।